अस्सलामु अलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे बटर चिकन की रेसिपी। तो इसके लिए मैं ली दही, 300 ग्राम दही ले लेंगे हम। चार बड़े साइज़ के प्याज पीस के पेस्ट बना के ले लेंगे। अब हम इसमें काजू का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 30 ग्राम काजू है ये। काजू को पानी डाल के पेस्ट बना ली मैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे आधे स्पून से थोड़ा बढ़ के। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 4 स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आपको कम लगता तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। धनिया पाउडर डाल देंगे 1 स्पून। गरम मसाला पाउडर 1 स्पून। जीरा पाउडर 1 स्पून डाल देंगे। इलायची पाउडर 1 स्पून। चाट मसाला 1 स्पून डाल देंगे। ऑरेंज कलर डाल देंगे, ऑरेंज फूड कलर है ये। अब हम टमाटो केचप ले लेंगे। 2 स्पून टमाटो केचप है ये। रेड चिली सॉस ले लेंगे 4 स्पून। ग्रीन चिली सॉस ले लेंगे 4 स्पून। ये बॉल में पूरा ज़्यादा हो गया इसलिए मैं दूसरे बॉल में डाल ले रही हूँ ये मिक्सचर को। दो स्पून ही डाले थे ना हम ग्रीन चिली सॉस, और 2 स्पून डाल देंगे 4 स्पून हो गए। अब ये वॉस्टर सॉस है ये भी 4 स्पून डाल देंगे। ये देखिए ये सॉस है ये। अब हम वॉस्टरशायर सॉस भी डाल देंगे, ये भी 4 स्पून डालना। बावर्ची स्टाइल का बटर चिकन है ये। कस्तूरी मेथी डाल देंगे 2 स्पून। बावर्ची इसी तरह से बनाते। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। अब ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसको बना के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब का जब बना दे सकते हम। क्यों बोलते हम चिकन में नहीं लगा रहे ना मैरिनेट। अब हम लगन ले लेंगे। जिस भी बर्तन में आप अच्छा बना रहे हो खुला रहना। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे 200 ग्राम जितना। बटर डाल देंगे 100 ग्राम, पूरा डाल दी मैं 100 ग्राम का। अच्छा मेल्ट कर लेंगे हम बटर को ऑयल में। इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिए आप बटर चिकन को, बहुत अच्छा बनता। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 स्पून। अच्छे से भून लेंगे हम अदरक लहसुन को। पाँच सेकेंड के लिए भून लेना। पाँच मिनट भून लेने के बाद में हम जो मैरिनेट करे थे ना हम वो मसाले को डाल देंगे इसमें। जितने व्यूज़ सारे उतने लाइक्स नहीं आ रहे मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो
ज़रूर लाइक कीजिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दस मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। बीच बीच में हिलाते रहना, नहीं तो दाग लग जाता। और ढक्कन ढाप के पकाइए आप, नहीं तो बहुत उछलते रहता ही। दस मिनट तक पका लेना हम इसको। फिर से मिला लेंगे। काजू डालने की वजह से जल्दी दाग लगता, तो इसलिए बीच बीच में हिलाते जाना हम। ये देखिए 10 मिनट तक अच्छा मिक्सचर को भून लिए हम। इसका टेक्सचर देखिए आप, कितना ज़बरदस्त दिख रहा। अच्छे से भून लेने के बाद में हम चिकन को डाल देंगे हम इसमें। अभी अढ़ाई किलो चिकन ली मैं। अच्छा धो के छन्नी में डाल के पानी निथरने के लिए रख दी थी मैं चिकन को। चिकन दाल मिलने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। अगर आप ज़्यादा बना रहे तो खुले बर्तन में बनाइए, मेरे लिए भी ये छोटा छो गया लगन। बीच बीच में हिलाते जाना, बहुत ज़्यादा भी नहीं हिलाना, चुप हल्का हिलाना, नहीं तो चिकन के पीसेस पूरे टूट जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाता चिकन। 15 मिनट के लिए हम पका लेना इसको, ढाप के पका लेते जाएंगे। दस से 12 हरी मिर्ची डाल देंगे चीर के, स्लिट करके, और थोड़ी कोथमीर भी डाल देंगे हम कट करके। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अब इसको। बहुत प्रेशर लगा के नहीं हिला रही मैं, हल्के हाथ से हिला रही हूँ, नहीं तो चिकन तोड़ जाता, पूरे पीसेस टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ, रुमाली रोटी के साथ, बघारा राइस के साथ, ज़ीरा राइस और मंदी राइस के साथ भी बहुत अच्छा दिखता। मैं इसको तंदूरी रोटी और मंदी राइस के साथ सर्व करी थी, बहुत मज़े का दिख रहा था ये। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरा 15 मिनट तक पका लेना चिकन डालने के बाद हम। ढक्कन ढाप के पका लेंगे। अच्छे से रेडी हो गया है चिकन। ये देखिए ग्रेवी का टेक्सचर अच्छा है, बराबर है, ना ज़्यादा लूज़ है ना ज़्यादा थिक है। 15 मिनट्स हो गए। अच्छे से मिला लेंगे हम फिर एक बार इसको। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम इसको
गार्निश के लिए फ्रेश क्रीम डाल देंगे 2 स्पून जितना, ऑप्शनल है ये, आप डालना चाह रहे हो तो डाल सकते वरना स्किप भी कर सकते। तो ये थी आज की रेसिपी टेस्टीएस्ट बटर चिकन बावर्ची स्टाइल में। एक बार इस तरह से बना के देखिए, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।